हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेकबैंड का। ये मॉडल नंबर है UINB4833। ये मेरे पास है, इसका ये बॉक्स है, आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर है UINB4833। ये फाइटर सीरीज का है। यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये ऑटोमेटिक कैच कर लेता है इसको। तो सबसे पहले इसका बटन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन बटन दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन बटन है, नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पहला है, दूसरा, तीसरा, ये तीन बटन है। तो एक तो लिखा हुआ है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और पावर ऑफ, तीन ही बटन है। लेकिन मैं बताऊंगा इसका फंक्शन, तीन बटन है लेकिन काम बहुत सारे कर देते हैं। ये पावर ऑन ऑफ के लिए है, जो मिडिल वाला है पावर ऑन ऑफ के लिए है। जैसे इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ होगा। तो अभी ऑन था तो ये ऑफ हो गया, फिर दोबारा करने पे ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया है, यहाँ पे लाइट यहाँ शो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे ऑन करने पे ब्लिंक करता है, यहाँ पे एक लाइट है जो कि ऑन कंडीशन में ये ब्लिंक करते रहता है टाइम टू टाइम, जो कि शो करता है कि पावर ऑन है। तो जनरली तो देखिए बढ़ाने के लिए है ये, और वॉल्यूम घटाने के लिए ये बटन है, और ये पावर ऑन ऑफ के लिए है। लेकिन और जगह भी ये काम करता है। जैसे म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं तो मेरे पास एक मोबाइल है, इस पर मैं कनेक्ट कर किया हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, यहाँ आइकन बना हुआ है ये ब्लूटूथ का, शायद आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ। तो देखिए म्यूजिक मैं प्ले करता हूँ इसमें, तो ये म्यूजिक प्ले कर दिया हूँ, मुझे बिल्कुल साउंड आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ, म्यूजिक प्ले हो रहा है। आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहा है। वॉल्यूम अप कर लेता हूँ, वॉल्यूम अप हो रहा है, तो ये वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पे काम कर रहा है बिल्कुल, देखिए। और जो मिडिल वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिडिल बटन जो है पावर ऑन ऑफ, ये पॉज कर देता है सीधा प्रेस करने पे। देखिए म्यूजिक पॉज हो गया, दोबारा प्रेस करने पे ये म्यूजिक प्ले हो गया। और ये जो वॉल्यूम डाउन है इसे लॉन्ग प्रेस करने पे म्यूजिक नेक्स्ट हो जाता है। ये देखिए गाना चेंज हो गया, अब देख सकते हैं। और एक बार नेक्स्ट करके देखता हूँ, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए म्यूजिक चेंज हो गया। और प्रीवियस करने के लिए आप देख इसे वॉल्यूम अप करना पड़ता है, लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं, ये आपका वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम अप से आपका प्रीवियस सॉन्ग हो गया। तो ये डबल डबल काम करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन भी करेंगे, लिटिल लिटिल आप प्रेस करेंगे इस तरह तो आपका वॉल्यूम अप डाउन होगा। अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग होगा। तो ये हो गया बटन का फंक्शन। और एक बटन का फंक्शन इसमें है, अगर आप इस पावर बटन को जो मिडिल वाला है उसको आप 3 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे तो आपको वॉइस असिस्टेंस के लिए अलाउ कर देगा। अगर आपका इंटरनेट से इस तरह कनेक्ट रहा, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, अब इंटरनेट से मेरा मोबाइल कनेक्ट है, उसके बाद आप यहाँ से वॉइस असिस्टेंस हो सकता है। अब देखते हैं इसे लॉन्ग प्रेस करके, यानी 3 सेकेंड मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये रिस्पॉन्स करेगा। इसे 3 सेकेंड होल्ड करने पे एक बीप का साउंड आता है,
उसके बाद आपको बोलने का मौका देगा, तो आप उस समय बोलेंगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा। आप देखते हैं, वाट इज वेदर कंडीशन टूडेज। अब देखिए वेदर, तो ये वेदर कंडीशन भी बता रहा है मुझे, वो भी रीड करके मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे और मैं ट्राई नेक्स्ट और क्या पूछूँ, लोकल पेट्रोल पंप नियर बाय। देखिए ये पेट्रोल स्टेशन मुझे ये शो कर दे रहा है, और मैं इसे जो भी रिस्पॉन्स इसको मैं बोलूँगा वो करता है। जैसे मैं कॉल बोलता हूँ, वो मैं इसे कॉल करने को बोलता हूँ, क्या ये कॉल कर पाता है, तो यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ कॉल टू करण। नेटवर्क इशू है तो ये कॉल करने लगा। ये मैं अभी कट कर देता हूँ। देखिए मैं इसे लगभग एक सप्ताह यूज कर चुका हूँ, तो अभी तक मुझे जो लगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले बैटरी बैकअप का बात करते हैं, तो बैटरी बैकअप कंपनी का कहना है 12 आवर। तो जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि 12 आवर से ज़्यादा चल रहे हैं अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, अगर कंटिन्यू चलाएंगे तो ये 10 आवर तक दे देगा। पर जैसे आप बात करते हैं, गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो फुल डे के लिए एकदम सही है। आप इसे एक बार सुबह चार्ज कर लें तो आपका शाम तक रात तक आराम से चल जाता है। मैं इसे यूज और इसका बात करते हैं कनेक्टिविटी का, तो कनेक्टिविटी कंपनी का कहना है 10 मीटर। और खुले जगह पे मैं गया, फील्ड पे गया, तो 10 मीटर से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। नॉर्मल घर में देखा जाए, अगर खुला है, अगर दीवार बीच में ना आए, तो ये 10 मीटर तक काम कर जा रहा है। और खुला जगह पे 15 मीटर 20 मीटर तक भी काम कर जा रहा है, अगर ओपन एरिया है तो। और म्यूजिक की बात करें तो इसमें 3D म्यूजिक मैं सुन के देखा हूँ, जिसमें लेफ्ट राइट मूव करता है, तो मैं उसे सुन के देखा हूँ इससे, तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप म्यूजिक के लिए ले सकते हैं इसे। अब मैं बताऊँगा इसका डिमेरिट क्या है, आप क्यों इसे ना लें। अगर आप गेम खेलने के लिए आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा इसे ना लें, क्योंकि मैं इसमें गेम खेला, मैं पबजी खेल के देखा, तो जिसमें लेफ्ट राइट का साउंड आता है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। जैसे कि कोई एनिमी मेरे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट जो ईयरफोन है वो बजना चाहिए, उस साइड आवाज़ आना चाहिए, और राइट में है तो राइट साइड आवाज़ आना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस फ़ोन ईयरफोन में, मैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस किया। अदरवाइज आप नॉर्मल गेम खेलना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट जैसे मैं पहले यूज करता था MI का ईयरफोन, उसमें एकदम परफेक्ट साउंड आता था, लेफ्ट में एनिमे है तो लेफ्ट में बज रहा है, राइट में एनिमे है तो राइट में। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैं गेम खेला, पर हल्का प्रॉब्लम हो रहा है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरा गेम प्ले, मैं किल भी किया बहुत उसी की मदद से। और इसमें थोड़ा सा बास का मुझे कम लगा, मतलब बास हल्का कम है, जो म्यूजिक सुनने में अगर आपको बास ज़्यादा चाहिए तो आप ना लें, लेकिन मीडियम है, एकदम परफेक्ट है। अगर ज़्यादा बास चाहिए तो आप इसे ना लें, क्योंकि बास हल्का मुझे कम लगा। और मैं ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ उसकी अपेक्षा इसमें कम है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ।
अदरवाइज म्यूजिक सुनने के लिए सही है, क्योंकि इसका जो ट्रिपल है वो सही है और लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन म्यूजिक में सही लगा, पर गेम के लिए सही नहीं लग रहा है। तो आप अगर गेम के लिए स्पेशली लेना चाह रहे हैं तो इसे ना लें, म्यूजिक के लिए बात करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इस ईयरफोन को, ये वायरलेस है फुली। अगर आप इस नेक बैंड के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर से ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर मुझसे छूट गया हो कुछ रिव्यू करना तो आप मुझे निश्चित कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर से ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।